जो आज का अपना प्रमुख उद्देश्य है इस सिंपोजिया का, वह है वर्कशॉप। हमने प्रथम सत्र में एक से एक अद्भुत व्याख्यान सुना, एक ज्ञान की जो अबाध परंपरा भारतीय परंपरा रही है उसके विषय में जाना। वस्तुतः इसकी जो पृष्ठभूमि है आज के इस वर्कशॉप की, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के ही पाठ्यक्रमों में से जीई के अंतर्गत कई सारे विषयों का चयन है और हम लोगों ने एक विकल्प दिया है, और उसी विकल्प के नेपथ्य में पत्र बना था नैरेटोलॉजी के ऊपर में। चूंकि अब मूल विषय जो कि सिलेबस संस्कृत में नहीं है, इंग्लिश में है सिलेबस नैरेटोलॉजी, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। चूंकि अब मूल विषय जो कि सिलेबस संस्कृत में नहीं है, इंग्लिश में है सिलेबस नैरेटोलॉजी, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। अन्यथा अगर इसकी हम समग्रता में, अगर भारतीय संदर्भ में जानने की कोशिश करें, तो इनके लिए कई प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग है, जिसमें कि सर्वाधिक जो पॉपुलर, जो प्रसिद्ध शब्द हम प्रयोग करते हैं इसके लिए, वह है आख्यान। कहीं कहीं इसके लिए हम अनुश्रुति शब्द भी प्रयोग में पाते हैं। तो अगर उस ढंग से हम इसे देखें, तो ये भारतीय आख्यान परंपरा जो कि हमारे पाठ्यक्रम का विषय है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो एक हम लोगों को निर्देश मिला था, उसमें चार यूनिट की बातें की गई थी, और तदनुसार एक बड़ा डिटेलिंग एक सिलेबस बना करके दिलीप जी ने भेजा था। फिर हमने एडिट किया काफी उसमें लंबा चौड़ा, क्योंकि जो हमारा टाइम फ्रेमिंग है उसको बहुत छोटा किया है, काफी क्रिस्प उसको करने की कोशिश की है, और जो मैं समझता था कि छात्रों के लिए जो उपयोगी हो सकता है उसको रखने की कोशिश करें। लेकिन एक वास्तविक रूप में जब भी कभी कोई नया पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो कई प्रकार की परेशानियां आती हैं हमारे समक्ष। हमारे पास सबसे पहली परेशानी यह होती है कि उसका कोई टेक्स्ट बुक नहीं है किसी भी चीज का। इवन अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम और मुद्रा राक्षसम की बात कर लें, तो जिस ऑर्डर में सिलेबस है उस ऑर्डर में हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है। हमें पूरी किताब खरीदनी पड़ती है और बच्चों को कहते हैं या तो फोटोस्टैट करवा लो, नहीं तो किताब खरीद लो। तो टेक्स्ट बुक फॉर्म नहीं है, और ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए स्कैटर्ड वे में, बिखरे हुए रूप में हम अलग अलग से सामग्रियों का संशोधन करते हैं, और तदनुसार इसको प्रपोज करने की हम लोग बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बार बार चर्चा चली भारतीय ज्ञान परंपरा की, और भारतीय ज्ञान परंपरा को बार बार संबोधित किया गया मानस गंगा कह के, और हम आप सभी जानते हैं कि गंगा हो या कोई भी जल राशि हो, उसके विषय में एक ही कथन है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, और जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा में जितनी भी डुबकी लगाते हैं, हर समय ज्ञान का एक नया पड़ाव हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम नैरेटोलॉजी को उसी ज्ञान का एक अंशभूत मान के चल सकते हैं, ज्ञान की समग्रता नहीं मानते। यह ज्ञान का एक साधन हो सकता है, यह ज्ञान का पूरा ज्ञान यह नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे लगाने की धारणा क्या रही है, अवधारणा क्या रही है, क्यों लगाया, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि जो अगर हम पूरे भारत की पूरी एक परंपरा को जानने की कोशिश करें, तो हमारे ऊपर ये बार बार कहा जाता रहा कि हमें इतिहास बोध नहीं है। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो माइंडसेट है, ये यूरोपियन एंड सो कॉल्ड जो एक खास जो विचारधारा है उसके अंतर्गत से ये बातें आई है, और ये बात आज से नहीं आई है। अल्बेरूनी ने भी कहा कि हमने अपने इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में संजो करके नहीं रखा। लेकिन मित्रों, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि भले ही यूरोपियन हिस्ट्री एंड मोड टू नो जो यूरोपियन हिस्ट्री है कितनी भी व्यवस्थित हो जाए, लेकिन सदियों से चले आ रहे नाम बिना इतिहास का यदि भारतवर्ष में विद्यमान है, हमारे हरिश्चंद्र बच्चों के मुख पर ये नाम है,
क्या किसी इतिहास को पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? राम कृष्ण, चाहे वह महाभारत की परंपरा हो, रावण, क्या इसके लिए हमें किसी क्रोनोलॉजी की जरूरत पड़ी क्या? लेकिन ऐतिहासिक रूप में अपनी समग्रता को लिए हुए आज भी हमारे मध्य विद्यमान है ये नाम, लेकिन उस इतिहास में नाम विलुप्त हो जाते हैं, केवल तिथियां बची रह जाती है। इसीलिए हमने कार्य को, ज्ञान को अपने इतिहास में संजोने का प्रयास किया है और तिथि को नहीं। और उसी चीज के लिए ये जो आख्यान परंपरा है वो भारतीय इतिहास को एक दृष्टि प्रदान करती है, ये जो आख्यान है, क्योंकि ये हमारे जितने भी इतिहास हैं वह इन्हीं आख्यानों से निकलकर आया है। सभी अभी आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, हम लोग भैया भाई दूज मनाते हैं, भ्रातृ द्वितीया। अब जरा इसके इतिहास को भी ढूंढने की कोशिश करें, और ये जो इतिहास है, ये जो भारतीय, जो हमें भाई बहन के जो पर्व हैं, ये पूरे केवल भारतवर्ष में ही भाई भवन के पर्व हैं और अन्यत्र कहीं नहीं है। इसके इतिहास को आप देखेंगे तो इनका रूट हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, यम यमी संवाद से, और यह ऋग्वेद का एक आख्यान है। अगर समग्रता में देखें तो ऋग्वेद में कुल 30 आख्यान हमें प्राप्त होते हैं। मैं आख्यानों की चर्चा में उनकी लिस्टिंग भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, दूंगा। तो ये भारतीय इतिहास को अक्षुण्ण बना करके, एक निधि बना करके संरक्षित करने के लिए मानो यह इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट है। इसलिए हमें लगा कि नैरेटोलॉजी को विश्वविद्यालयीय शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिए, ताकि हम इसी परंपरा से आज भी कई सारी कहानियां दादा दादी के मुख से सुनकर के हम कई सारी कहानियों को स्मरण कर लेते हैं। यही बेसिकली जो है हमारी आख्यान परंपरा है, मूल स्रोत भारतीय इतिहास को जानने का यह एक विषय है आख्यान परंपरा। दिलीप जी ने जो मुझे निर्देश दिया था वो यूनिट 1 और यूनिट 4 को डिस्कस करने के लिए, और वो भी बड़ा बढ़िया है। सबसे पहले अगर आप यूनिट 1 में जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नैरेटोलॉजी है। मित्रों एक चीज और जान लें, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ समझ के आप लोग ध्यान में रख लें, हमारे ज्ञान का जो भी क्षेत्र है, जो भी हम जिसको जॉनरा कहते हैं, या जो भी हम ज्ञान के रूप है, स्वरूप है, प्रकृति है, जो कुछ भी जानते हैं, उस सब का मूल हम ऋग्वेद पाते हैं। चाहे आप महाकाव्य की बात कर लें, चाहे गद्य काव्य की बात कर लें, चाहे आप चंपू काव्य की बात कर लें, चाहे आप नाटक की बात कर लें, कथा साहित्य की बात कर लें, जिस किसी भी विधा की आप चर्चा कर लें, उन सब का मूल ऋग्वेद है। तो प्रश्न ही खत्म हो गया, ओरिजिन, बात ही खत्म हो गई कि ओरिजिन कहां पर है ऋग्वेदिक परंपरा का, सॉरी आख्यान परंपरा का कहां पर है ओरिजिन। हम इसको ऋग्वेद से मानते हैं, क्योंकि भी प्रारंभ में ही कह गए कि जो प्रथम हमारी कविता या प्रथम हमारा ग्रंथ ऋग्वेद है, और उसमें इसका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हम विविध प्रकार के आख्यान को वहां पर पाते हैं। अब रही बात डेवलपमेंट, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम डेवलपमेंट को दो तरीके से देखते हैं, हम एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को कहते हैं वर्टिकल। ध्यान रखेंगे मैं संस्कृत साहित्य के इतिहास को डिनाई करता हूं जो वह विकास की बात करता है। विकास ये नहीं है कि कालिदास के बाद भारवि हुए, भारवि के बाद माघ हुए, माघ के बाद श्री हर्ष हुए, श्री हर्ष के बाद ये हुए, ये विकास नहीं है। विकास यह है जिस जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात की, हम जब वर्टिकल की बात करते हैं तो उसको हम गुणात्मक कहते हैं, क्वालिटेटिव, और हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम संख्यात्मक कहते हैं, क्वांटिटेटिव। यानी आख्यान परंपरा पर या किसी भी विधा पर पुस्तकों की संख्या अपार है, अनंत है, अनगिनत है, वो भी एक विकास है। दिलीप जी के पास भी एक किताब है, मेरे पास भी एक किताब थी नैरेटोलॉजी को लेकर के, और अभी लेटेस्ट एक बुक पब्लिश होने वाली है, मैक थॉमस टेलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने नैरेटिव्स को लेकर के एक पुस्तक अभी उनकी पब्लिश होकर आने वाली है, जो लेटेस्ट है, जिसकी जानकारी है मैं शेयर कर रहा हूं। तो संख्यात्मक विकास को लेकर के हम उतने ये नहीं रहते हैं, साकांक्ष नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, क्योंकि लोग आते हैं अपनी अपनी दृष्टि से पुस्तकों की रचना करते चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है गुणात्मक, जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, कि अगर कालिदास ने महाकाव्य की रचना की तो महाकवि कालिदास से भारवि कैसे डिफर करता है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें वहां देखना पड़ता है? और तब जाकर के हम सोचते हैं
कि महाकवि कालिदास ने जब केवल और केवल क्या है भाव पक्ष को ध्यान दिया और उनसे उनको वैश्विक प्रतिष्ठा मिली, तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि अब मैं क्या करूं कि मुझे भी यश मिले, मुझे भी कीर्ति मिले। तब वो अपने में शिफ्ट लाता है और वो भाषा प्रधान महाकाव्य की रचना करता है। देखिए, भाव से शिफ्टिंग हो गई भाषा की ओर, और तब लिखना पड़ता है, तब लिखते हैं वो ननु ननु नो नुन्नो नो ना 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 ननु नुन्नो नुन्नो ननु नन्नो नाने ना नुन्न नुन्ननु। संस्कृत का श्लोक है ये, भाषा प्रधान है, भाव दोनों हो गया। अब रही बात, भाषा में आ गए माघ, आ गए श्रीहर्ष, आ गए, अब क्या परिवर्तन उनको होना है, तो इसके लिए फिर क्या होता है कि लंबे लंबे मोटे मोटे महाकाव्यों का निर्माण। पहले परंपरा थी 17 सर्ग, 18 सर्ग, 19 सर्ग, अब पाएंगे 50 सर्ग। डिटेलिंग शिफ्टिंग हो रहा है। पहले हमारे पौराणिक कैरेक्टर होते थे जिनको कि हम नायक बनाते थे, राम कृष्ण अर्जुन कर्ण आदि को। अब हमारे जो कंटेम्पररी लीजेंड जो होते हैं, किंग होते हैं, हम उनको अब नायक बना रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग है, तो हम इसको कहते हैं, ये है डेवलपमेंट। थॉमस अल्वा एडिशन एक बल्ब का आविष्कार करता है और उसका देखिए विकास क्या है कि आज हम LED तक पहुंच गए। ये डेवलपमेंट है, थियरी वहीं से शुरू हुई है। तो उसी प्रकार अब आख्यान में आकर के यदि हम सोचें तो आख्यान में भी इस प्रकार के विकास होते गए। छोटा सा उदाहरण है, आप लोग सभी जानते होंगे उर्वशी और पुरुर्वा का नाम। उर्वशी और पुरुर्वा ऋग्वेद में एक उनका आख्यान है, उससे डेवलप्ड फॉर्म हम पाते हैं शतपथ ब्राह्मण में, और उसका परिणाम हम पाते हैं विक्रमोर्वशीयम में, जो कि उर्वशी और पुरुर्वा को एक वैश्विक चरित्र बना देता है। जिस प्रकार सर ने सुबह में सोनी महिवाल एंड ऑल ही राजा का नाम लिया, उसी प्रकार संस्कृत जगत में अमर प्रेमियों के जब नाम लिए जाते हैं तो दुष्यंत, शकुंतला, उर्वशी और पुरुर्वा का नाम लिया जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे परिवर्तन, वहां का चरित्र यहां कैसे परिवर्तित हो रहा है, टोटली आप देखेंगे 96 के फॉर्म में चेंजेज है, पूरी तरह से विपरीत है। तो हम इसको कहते हैं कि गुणात्मक अभिवृद्धि। तो ये जो आख्यान है इसी प्रकार से विकास, क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज थ्रो किया जाता है तो इंडिविजुअल ह्यूमन जीनियस जो है उसको इफेक्ट करता है। सर ने शुरू में भी कहा, बिमली जी भी कह रहे थे कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपनी दृष्टि से उस विषय को सोचता है और समझता है। तो इस दृष्टि से आख्यान में भी एक परिवर्तन होता गया, और तदनुसार जो हमारे पाठ्यक्रम में हम लोगों ने जो इसको इंट्रोड्यूस किया है उसमें ऋग्वेद संवाद संहिता है, ऋग्वेद संवाद सूक्त हैं जिसकी अभी चर्चा की, लगभग 30 आख्यान है, गाथा और नारा संसित, ये दो चीज हैं जिनको हम समझना हमें चाहिए कि गाथा और नारा संसित। नारा संसित अगर थोड़े से ट्विस्ट करें अपने को तो नर शब्द है और शंसी शब्द है। शंस यानी प्रशंसा, यानी पुरुष प्रशंसा, पुरुष नहीं क्षमा चाहूंगा, व्यक्ति प्रशंसा। पुरुष एक पक्षीय है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की प्रशंसा नहीं हुई होगी, नहीं होगी वहां पर। तो नारा शंसी जो है वो प्रशंसात्मक जो आख्यान होते हैं, जिसमें अब क्या हुआ कि ये उस समय के लोगों में कहानियों के माध्यम से जो निकल कर आने वाली गाथा है, जो कथानक है, उनको हमने रखा है टॉपिक में। और इसके लिए अगेन कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, जस्ट कमेंट ऑन। यानी अगर आप कहेंगे बच्चों को, हम एक क्रिटिकल असेसमेंट उनको देंगे कि गाथा और नारा शंसी क्या है और किस प्रकार जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है नैरेटोलॉजी को। सिमिलरली उपनिषदिक आख्यान, अभी नचिकेता का बड़ा ही सुंदर उन्होंने आख्यान समझाया कि देखिए किस प्रकार डिबेट से, किस प्रकार हमारा जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है वो उठता है और विश्व की, मनुष्य की जो बड़ी सी बड़ी समस्या है उसका समाधान हमें मिलता है उस एक आख्यान के माध्यम से। नचिकेता का प्रश्न केवल नचिकेता का प्रश्न नहीं है, नचिकेता एक मानवीय प्रतिनिधि का प्रश्न है जो हर मानव के मन में चलता रहता है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा आदि आदि। तो वहां पर प्रतीक है। मैं इसी तरह लोगों को पढ़ाते हुए कहता हूं कि अगर कोई कवि या कोई कालिदास या कुछ लिखते हैं तो वहां पे दुष्यंत दुष्यंत नहीं है, शकुंतला शकुंतला नहीं है, चंद्रापीड चंद्रापीड नहीं है, शुकनास शुकनास नहीं है, कृष्ण कृष्ण नहीं है, अर्जुन अर्जुन नहीं है। हम सभी भटके हुए लोग हैं जो अर्जुन होते हैं, और कृष्ण वो सारे अच्छे गुरु हैं जो कि उस भटके हुए शिष्य को सन्मार्ग पर लाने का एक उपदेश देता है।
तो हम जब साहित्य है या आख्यान है या जो नैरेटोलॉजी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, हम उनसे प्रतीक का चयन करते हैं। दो उदाहरण लीजिए, एक शुनह शेप आख्यान है। हमें समझाया जाता है शुनह कुत्ता आदि अर्थ बना करके इस तरह से, और देखेंगे अगर आप इसके विस्तार में जाएंगे तो शुनह का अर्थ होता है सुख और शेप का अर्थ होता है स्तंभ। सुख सुख का स्तंभ, अब ये क्या मतलब हुआ? वहां से प्रतीक हम लेते हैं कि कुछ ऐसे विषयों को हमारे लिए उस सेक्शन में, उस खंड में डाल करके प्रेजेंट किया जा रहा है जो हमें एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है, पॉजिटिव बनने की बात करता है। दूसरा शब्द जो खास करके मॉडर्न हिस्टोरियन के बीच में एक शब्द चलता है, वो है अश्वमेध यज्ञ को। दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे इतिहास पढ़ाने वाले इतिहासकारों को आप पूछेंगे तो वो बार बार यही कहेंगे कि यज्ञ के बाद घोड़े की बलि दी जाती थी। अब जरा सोचिए, पुरुष मेध यज्ञ है, नर मेध यज्ञ है, पुत्र मेध यज्ञ है, तो क्या पुरुषों की बलि दी जाती थी, मनुष्यों की बलि दी जाती थी, पुत्रों की बलि दी जाती थी? नहीं। तब जाकर के हमें अर्थान्वेषण करना पड़ता है, और अश्व का अर्थ होता है राष्ट्र और मेध का अर्थ होता है कल्याण, तो राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ है वह अश्वमेध यज्ञ है। परंपराएं चीजों को बदल देती हैं, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी सोच जो इंडिविजुअल है वो बदल देती है चीजों को। हम एक बर्थडे मनाते हैं, भाई जिनके पास जो सामर्थ्य है उनको उस ढंग से उस चीज को देते हैं और तदनुसार हम उनको फॉलो करते हैं, वो परंपरा चल पड़ती है। और अश्वमेध का जो ये विकृत अर्थ है उसी परंपरा का परिणाम है। तो अस्तु, जो मैं आ रहा था आख्यान की बात कर रहा था, तो ये जो जितने हमने लिखी है ये प्रतीक होते हैं। मैंने नचिकेता के माध्यम से चर्चा की कि नचिकेता जो है प्रतीक है। नचिकेता कोई हमारे लिए आदरणीय चरित्र बाद का है, लेकिन हम सब लोग वहां पर नचिकेता है। हमें इसको देखना है, इसको सोचना है, क्योंकि व्यक्ति में से ही कोई एक खड़ा होकर के, समुदाय में से ही कोई एक खड़ा करके क्वेश्चन पूछता है, और वही प्रश्न पूछने वाला सबके लिए फिर क्या होता है, अनुकरण का विषय बन जाता है कि नहीं, ये प्रश्न जो है ये सही है। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में है इतिहास और पुराण, इनके ट्रेडिशन को लेकर के, तीर्थे जायते साधु संगः, तीर्थ पे आने पे, यानी विवेकानंद कॉलेज आने पे साधुओं के साथ संगति हुई, तो तीर्थे जायते साधु संगः, संगे जायते वादः, और एक साथ साथ रहने से क्या होता है, वाद उत्पन्न होता है, परिचर्चाएं चलती है, हम डिबेट करते हैं। जब साथ दो तीन रहते हैं, सब दे रहे थे स्पीच, मैं दिलीप से बात कर रहा था, मैम चली गई जो प्रिंसिपल मैम थी, कौर मैम, उनसे बात हो रही थी, तो वो संवाद एक क्रिएट होता है, और वादे जायते तत्वबोध, और जब परस्पर हम डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन का रिजल्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज, तत्वबोध, जो वास्तविक विषय है उसका वास्तविक ज्ञान। और आखिरी पंक्ति है,
बोधे बोधे भाषते चंद्रचूड़ा, अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस परम पद की हमें प्राप्ति होती है। हमारे लिए यहां पर केवल इतना कहना है वादे वादे जायते तत्व बोध है, इसी एक पंक्ति को लेनी है। क्यों? क्योंकि आख्यान उसी परंपरा का एक्सटेंशन है जिसको कि हम एक पुराण के माध्यम से, देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी हमें भ्रम होता है आख्यान को लेकर के कि हम कभी कभी उसे आख्यायिका कह देते हैं, क्षमा करेंगे ये नहीं है, आख्यायिका नहीं है, क्योंकि आख्यायिका जो प्रोज टेक्स्ट है उसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है उसको कहा जाता है आख्यायिका, ऑटोबायोग्राफिकल और बायोग्राफिकल, क्षमा करेंगे ऑटोबायोग्राफी तो बहुत बाद में संस्कृत में है, जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, यानी सपोज अगर बाणभट्ट हर्ष चरितम लिख रहा है तो हर्ष चरित वहां पर आख्यायिका है, लेकिन दशकुमार चरितम आख्यायिका नहीं है क्योंकि वो कवि कल्पना प्रसूत है, कवि की कल्पना से निकला हुआ है। तो आख्यान और आख्यायिका में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम शब्द को देखते हैं और अपनी चीजें लगा के चल देते हैं। पुराण जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पंच लक्षणों से युक्त है, सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च, तो ये जो पांच लक्षण है वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, ये चाहे सर्ग की कथा हो, प्रतिसर्ग की कथा हो, वंश की कथा हो, वंशानुचरित की कथा हो या मन्वंतर की कथा हो, वो सारी की सारी चीजें डिबेट से निकल के आती है। आपने देखा होगा किसी भी पुराण को उलट लीजिए आप पाएंगे, शौनक उवाच, लोम हर्षण उवाच, उवाच यानी बोला, तो देखिए बोला क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, उसका कोई कर्म होगा ना, किसको बोला, ऑडियंस हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, चाहे ऑडियंस को बोला या इंडिविजुअल को बोला, दैट मीन्स एक आख्यान चल रहा है, एक जो संवाद है वो चल रहा है, और वही हमारे ज्ञान का ट्रेडिशन है। सर ने शुरू में ही कहा कि हमारे ज्ञान की जितनी भी प्रणाली है एट सर्टन लेवल, अब केवल महाभारत में विदुर के उपदेश को पढ़ लीजिए, संवाद से निकला हुआ है, विदुर ऐसा नहीं है कि किसी जगह बैठ के एकांत में बैठ करके अपनी नीति की चर्चा कर रहा है, नहीं, संवाद से निकला है। मैम पंचतंत्र और हितोपदेश की चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे कि पूरी मेथोडोलॉजी जो है वो आख्यानात्मक मेथोडोलॉजी है, जहां पर कि एक गुरु चार या पांच शिष्य को कथा के माध्यम से जीवन दर्शन की सीख देता है। तो हमारे यहां जो ज्ञानोपार्जन की परंपरा है वो संवाद से है, और उसको ऑफकोर्स जो कॉम्प्लीमेंट करता है, जो कॉम्प्लीमेंट देता है वो पुराण देता है। इतिहास का एक विशिष्ट अर्थ और है यहां पर, वो है हमारा महाभारत, यानी हम महाभारत के माध्यम से, क्योंकि महाभारत को इतिहास पुराणाभ्याम आदि शब्द है उसके अंतर्गत हम समाहित करते हैं। और एक सभी जानते होंगे, मैं बार बार कहता हूं कि दूसरे विचारधारा को छोड़कर जो हम जब भारतीय हमारी जो विचारधारा है वो आवश्यक रूप में कहती है कि रामायण और इतिहास क्या है, रामायण और महाभारत क्या है, इतिहास है। तो उसमें हम उनके भी खंडों को, उनके भी कहानियों को, उनके भी कथाओं को, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये कमेंट होगा, हम किसी पर्टिकुलर स्टोरी को वहां पर नहीं पढ़ाएंगे कि ये स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी वैसी है, नो, किसी स्टोरी पे हमें कमेंट नहीं करना है, हमें ये कहना है कि इतिहास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स रामायण और महाभारत और पुराण, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन डेवलपमेंट ऑफ नैरेटोलॉजी, उनके विकास में क्या योगदान है, हमें इस तरह की चीजों को अपने को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। ये नहीं कि हम पुरुर्वा उर्वशी की संवाद की विवेचना करने लगे और कहने लगे कि भाई उर्वशी को तो कार्तिकेय का शाप था इसलिए ऐसा हुआ, नो, नेवर। इसके बाद जो है एक बहुत सुंदर है ये बृहत कथा एंड इट्स संस्कृत रिसेंशंस, ये जो रिसेंशंस का इंग्लिश जो है ये वाचना है, उसी को एक दूसरे रूप में हम लोग एडिशन भी देते हैं कि डिफरेंट एडिशन से हैं ये चेंजेस, सम चेंजेस। अब एडिशन को भी समझ लीजिए, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग पढ़ते होंगे, प्रथम अंग का सातवां पद्य है, सातवें पद्य की पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का आखिरी शब्द है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि, लेकिन एक और एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, बद्ध दृष्टि। ये जो है ये रिसेंशन है, ये जो हम इसको लेके चलते हैं, ये अलग अलग वाचनाएं हैं, अलग अलग पाठ है, और तभी हम कहते हैं पाठ भेद है और ये है वो है ऐसा है। तो एनीवे ये जो रिसेंशन है हमने इसको कह सकते हैं केस स्टडी, मैं दिलीप को और उसमें क्लियर कर दूं, क्योंकि हमने तो टॉपिक रख दिया, उसका मेल नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा ऊपर से नीचे, लेकिन ये अ टाइप ऑफ केस स्टडी है जो हम करेंगे, हम बच्चों को दिखाएंगे। क्यों? एक मूल ग्रंथ है और उनकी कई सारी वाचनाएं, कई सारी रीडिंग्स हमारे पास हैं, एक ही टेक्स्ट है, अलग अलग नाम से हैं,
अब जरा देखिए क्या है, एक जो हमारे जो एग्जाम्पल में हमने लिया है, जो सिलेबस में है, बृहत कथा एंड इट्स संस्कृत रिसेंशंस, ऑल दो वी हैव टेकन ओनली थ्री, लेकिन इनके चार रिसेंशंस जो है, चार इनकी जो है वाचनाएं मिलती है। बृहत कथा मंजरी, जो बृहत कथा है आप लोग सभी जानते होंगे, सातवाहन थे, उन्हीं के काल के गुणाढ्य हुए थे जिन्होंने पैशाची भाषा में ये बृहत कथा की रचना की है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी एडी, अगर आप मॉडर्न, प्रणाम मैम, मैं आज आपकी चर्चा कर रहा था। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे इनके चार वेरिएशंस हमें मिलते हैं। जो पहला वेरिएशन से है वो है बृहत कथा श्लोक संग्रह, ये सिलेबस में है। अब इसको देखिए क्या है कि ये नेपाली एडिशन है, इसके लेखक बुद्ध स्वामी है। एक बृहत कथा है, उस बृहत कथा को आप चाहे एडिट कर लें, कॉन्साइज कह लें, संक्षिप्त कह लें, या एक दूसरी फॉर्मेटिंग में पर्पस वही वो कह दें, बुद्ध स्वामी ने बृहत कथा श्लोक संग्रह नाम से ग्रंथ की रचना की। इसमें एक नरवाहन नाम की नरवाहन नाम का एक राजा है जिनकी 28 शादी है, 28 उनकी पत्नी है, और हर एक पत्नी को वो स्टोरी सुनाते हैं या उनसे सुनते हैं, वो लंबी कहानी है। और जी जी वही चीज है। इसमें टोटल 4539 वर्सेज हैं, 4539 वर्सेज है इस बृहत कथा श्लोक संग्रह में। इसी का दूसरा, जिसको कि हम लोगों ने छोड़ दिया है, सिलेबस में नहीं लिया है, वो जस्ट इसीलिए कि हमें टाइम को देखना होता है, वही 45 क्लासेज है, आवर्स है जिसमें पूरा करना होता है। वसुदेव हिंदी एक है, नाम से तो लगता है कि कोई लेखक हो, नहीं, यह ग्रंथ का नाम है, प्राकृत ग्रंथ है वसुदेव हिंदी, जिसके लेखक का नाम है संघदास गणी। ये महाराष्ट्रीय प्राकृत गद्य में यह लिखा गया, एक वही स्टोरी जो आपको बृहत कथा में है उसको एक दूसरे उसमें लाया गया है, और इसमें 100 चैप्टर्स है, उसको लंबक शब्द है जिसकी चर्चा मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि जो शब्द अबूझ है उसको डिस्कशन के लिए टाइम क्यों डालें। तीसरा जो कि बहुत ही फेमस है, सभी लोग आप लोग किसी ना किसी रूप में जानते होंगे, सर ने शुरू में क्षेमेंद्र की चर्चा की थी, क्षेमेंद्र एक कश्मीरी ऑथर हैं और काफ़ी वर्सेटाइल है, कह सकते हैं कि कोई ऐसी विधा नहीं हो जिसमें कि उन्होंने ग्रंथ ना लिखे हों, अतिशयोक्ति हो सकती है स्टेटमेंट, बट यस ही वॉज वर्सेटाइल, पोइटिक्स पे भी लिखते हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो इसी ने बृहत कथा मंजरी की रचना की, बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी, और खास करके हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले के लिए काफ़ी एक लवेबल टेक्स्ट है, एक लवली टेक्स्ट है, क्योंकि कई लोग इस पर रिसर्च करते हैं, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसमें भी 28 चैप्टर है, और इसमें भी प्रत्येक में क्या है कि एक एक वाइफ स्टोरी जो है ना, उसके वाइफ की स्टोरी है, तो 28 वाइफ्स हैं, उनकी स्टोरी इसमें चलती रहती है। इसी का जो 9th चैप्टर है, जिसमें कि 25 स्टोरीज है 9th चैप्टर में, जो कि बाद में आकर के फेमस होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, बेताल पचीसी, है ना। तो इसी बृहत कथा मंजरी का पार्ट है बेताल पंचविंशति का, संस्कृत नाम है उसी का, हिंदी में है बेताल पचीसी, और बाद में तो बेताल कथा फेमस भी हो गया, अरुण गोयल जी राजा बन के आते थे और सज्जन कुमार बेताल बन के सीरियल आया करता था उन दिनों टीवी पर, DD1 पे उस समय, तो ये काफ़ी फेमस है, सभी जानते होंगे, और मेला में मार्केट में जो छोटी छोटी पतली पतली किताबें मिलती है उसमें बेताल पचीसी की भी किताबें मिल जाती है। एनीवे, तो ये बृहत कथा मंजरी, इसी बृहत कथा का एक वाचना है। और चौथा इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली गुड, सबने सुना होगा, कथा सरित सागर, ये भी बहुत ही पॉपुलर है, ये इसी का एक पार्ट कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें 21,388 वर्सेज हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज चेंज करते हैं ना, तो मैंने बार में पहले भी कहा कि कवि का अपना मनोविज्ञान प्रभावी हो जाता है, जो देखने का नजरिया है, चीजों को प्रस्तुत करने का जो नजरिया है, यह इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है। आप कैसा देखते हैं जरूरी नहीं है कि मैं उस चीज को वैसे ही देखूं, तो इसीलिए कवि जब व्याख्या करता, आप देखिए महाभारत 1,00,000 पद्यों में चला जाता है, जबकि ओरिजिनल महाभारत जो है दैट हैज ओनली 8800 वर्सेस, जो व्यास ने जो लिखा है वो केवल 8800 पद्य लिखा है, महाभारत की रचना व्यास ने नहीं की है, क्षमा करेंगे, वो डेवलपमेंट जो डेवलप्ड फॉर्म है
24,000 में भारत होता है, फिर उसको अपने ढंग से लोग उन्हीं चीज़ों को डिफाइन करते करते आगे चला जाता है और 100,000 वॉइस उसमें जो हैं वो निकल कर आते हैं। हम इसको भी कहते हैं कि ये भी टाइप ऑफ जो है ना वो आख्यान परंपरा है, क्योंकि कई कई कहानियां बाद में जुड़ती चली गई, उसमें हनुमान जी की कहानी आ गई, आप लोग सभी जानते हैं, कई सारे हरिवंशोपाख्यान, कई सारे गीता, हंस गीता, श्रीमद भगवद गीता आदि ऐसी चीजें जुड़ती चली गई। तो ये जो मैं अभी नाम ले रहा था कथा सरित सागर और जिसमें इतने लंबे पद्य, उसके पीछे ये नहीं है धारणा। इन्होंने चीजों को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन अपने वे में किया है, अपने ढंग से किया है, लोग करते हैं, इसलिए इसमें पद्यों की संख्या इतनी लंबी चौड़ी हुई है। लेकिन सबके मूल में एक ही है, 28 वाइव्स। कहानी सुनाना, कहानी कराना, उसी के माध्यम से उनके सुख दुख, दर्द, पीड़ा, दर्शन आदि जो है लोगों के मनोविज्ञान वो निकल कर आते हैं। तो अगर हमने इसे सिलेबस में रखा है, उस सिलेबस को इसलिए रखा है कि हम बच्चों से केस स्टडी करवा सकें, हम उनको कह सकें कि भाई बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर का कंपैरिजन करो, ये बताओ कि इसमें क्या डिफरेंसेज हैं, ये बताओ कि इसमें किस तरह से ये आख्यान को इन्फ्लुएंस करता है और आख्यान के लिए एक नई दशा और दिशा सेट करता है, तो वो रखा है। और चौथा जो यूनिट है जो हमारे लिए फेबल्स को लेकर के, कई सारी चीज़ें होती है, डायलेक्टिक्स होते हैं, फेबल्स होते हैं, फेबल्स जो है पशु कथा को कहते हैं। हम लोग भले ही पंचतंत्र न जाने, भले ही हितोपदेश की कहानी नहीं जाने, लेकिन जंगल बुक की कहानी तो जरूर जानते हैं। जंगल बुक तो सब ने जरूर देखा होगा कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, बड़ा आया करता था, बहुत अच्छा, मोगली एंड ऑल, रुडिया, सॉरी ये किसका, रुडिया किपलिंग, टीएस रुडिया किपलिंग का है ना। अब देखिए उनकी प्रेरणा देखिए, एक ये और दूसरा जिसको सबसे ज्यादा शायद ऑस्कर मिला है वो है टॉम एंड जेरी। अब उनको देखिए, अगर आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमारी भारतीय परंपरा का रिफ्लेक्शन है, और भारतीय परंपरा ने पशुओं से सबसे पहला संवाद ऋग्वेद में किया है। अभी मैंने चर्चा की थी सुना शेप एंड ऑल सत्सर्मापणी, तो ये हमारे यहां से, ये जो पशुओं से, प्रकृति से जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग्स हैं, वो ऋग्वेद परंपरा से है। और मुझे जानकर के तब आश्चर्य होता है कि जब टॉम एंड जेरी बनाया जाता है तो वहां पर भी जेरी को जो है नरक भेजा जाता है, जहां पर कि वो तेल में कड़ा हमें उसको पकाते हुए, फ्राई करते हुए दिखाया जाता है, जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नरक है वहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है। ट्रैक पे जेरी को बांध दिया है, ट्रेन आ रही है और जेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, ये परंपरा हमारी है। तो अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, बट यही चीजें हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये चीजें कैसे हमारे जो फेबल्स हैं, ऑल दो अब फेबल्स मेरे ख्याल से लास्ट जो लिखा है अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जंगल बुक का जो है ना कांतार कथा उस ग्रंथ का नाम है जिसमें उन्होंने एक फेबल्स टाइप का शेप लिया है। हमारी परंपरा से धीरे धीरे यह विलुप्त तो हो रही है, क्योंकि टीवी एंड ऑल इतना आ गया है कि कोई भी ऑथर चैलेंज नहीं लेता कि वो उसकी गुणवत्ता को लेकर के। लेकिन जरा सोचिए, पंचतंत्र, हितोपदेश, अभी जो शुक सप्तति अभी चर्चा आएगी, ये सारे जब टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं तो किस प्रकार मानवीय संबंध बन रहा है हमारे सराउंडिंग से, उस अनुभूति को सोचिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो तथाकथित प्राचीन काल के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उन सबके अनुभूति इन्होंने इन काव्यों के माध्यम से हमारे जीवन के सामने समर्पित किया है। पशुओं की जो वेदना है, पशुओं की जो संवेदना है, जिसके लिए हम आज कॉन्शियस हुए हैं, नहीं तो पहले कुत्ते आते थे उसको पत्थर मार करके भगा देते थे, लेकिन अब जो हमें एक नया थोड़ी सी हमें जो संवेदना की भावनाएं बढ़ी हैं, हम उन पशुओं से भी अब प्रेम करने लगे हैं। और वैसे भी मनुष्य का जो प्रथम मित्र है वो हम लोग सभी जानते हैं, वो डॉग है, कुत्ता है, क्योंकि हमारा उल्लेख यही मिलता है शुरू से, हम इसी तरह से देखते हैं कि मनुष्य का जो प्रथम जो मित्र है वो श्व है, और दूसरा मित्र अश्व है, जो श्व नहीं यानी घोड़ा। तो ये बड़ा सुंदर है, जो श्व कुत्ता, अब भाई जो दूसरा मित्र बना उसका क्या नाम रखें, नाम नहीं याद आया सर, तो उन्होंने नाम रख दिया अश्व, यानी जो कुत्ता नहीं है।
और वहीं से अश्व शब्द का, हालांकि बाद में आप लोग अर्थ करेंगे वैदिक जो निर्वचन एंड ऑल करेंगे, बट मैं एक एटिमोलॉजिकली मैं इसको इस ढंग में देखता हूं, और एंथ्रोपोलॉजिकली कह लें या एक जो ह्यूमन इवोल्यूशन को अगर देखें तो मैं समझता हूं अश्व का मतलब यही है जो श्व नहीं है। चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी मैंने चार आप लोगों के सामने बातें की, और अभी जब इसकी चर्चा कर रहा था कि ट्रिबल्स को लेकर के सिलेबस में हमारे पास पंचतंत्र है, हितोपदेश है, वेताल पंचविंशति का अभी जिसकी चर्चा की, सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन बत्तीसी है ना, ये भी अच्छी तरह से सुना होगा आप लोगों ने, एक पुरुष परीक्षा है। ये बहुत बढ़िया है कि एक राजा अपने ब्राह्मण पुरोहित से प्रतिदिन हर प्रकार के पुरुषों के बारे में जानता है, जानने की कोशिश करता है, और तब जाकर के डिसाइड करता है कि अपनी बेटी के लिए किस प्रकार के वर को मैं लाऊं। ये पुरुष परीक्षा है उस समय में, और शुक सप्तति जिसकी चर्चा की, इनका भी है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जो संस्कृत टेबल्स है, मैंने पहले ही आकर के सूत्र वाक्य दे दिया था कि संस्कृत की जितनी भी विधा है, संस्कृत की उपन्यास नहीं, उपन्यास और संस्कृत की विधा नहीं है। अगर शिवराज विजयम को कोई उपन्यास कहता है तो वो समीक्षा जगत के साथ अन्याय करता है। उपन्यास शिवराज विजयम आख्यायिका है। एनीवे, हाइकू संस्कृत नहीं है, लेकिन संस्कृत की जो विधा है उस सबका ओरिजिन जो है वह ऋग्वेद है। ये ध्रुव वाक्य, ये नोट कर लीजिए बच्चों को, हम यहीं से शुरू करते हैं। फेबल्स पशु कथा की हमने चर्चा की, कहां पर मिलता है सबसे पहले पशु कथा में, कहां मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। तो ओरिजिन कहां ढूंढेंगे, ऋग्वेद में ढूंढेंगे। तो इस तरह से ओरिजिन के लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च नहीं करना होता है, खास करके जब हम साहित्यिक विधाओं की चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट को लेकर के साकांक्ष होना होता है, लेकिन यहां पर अब डेवलपमेंट पंचतंत्र का क्या डेवलपमेंट है, आप लोग सभी जानते हैं कि पंचतंत्र एक पूरी की पूरी एक क्रांति है। तो फोर्स संस्कृत टेक्स्ट है जिसका कि किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो फोर्स संस्कृत टेक्स्ट 6th century, 7th century AD में पहलवी में। हमारा जो ओरिजिनल पंचतंत्र है वो विलुप्त तो हो गया ऐसा माना जाता है। मेरा इस पर बहुत अधिक रिसर्च नहीं है कि जो ओरिजिनल पंचतंत्र लिखा गया था वो विलुप्त तो हो गया। फिर जो ईरानी जो ईरानियन जो पहलवी में जो हमारे पास पंचतंत्र विद्यमान था उनको लेकर के फिर हमने अपने को एस्टैब्लिश किया न्यू पंचतंत्र को जो आज हमारे पास अवेलेबल है। तो इनके विषय में हम सबके बच्चों को दिखाते हैं, बताएंगे किस पशु कथा में किस प्रकार के संवाद हैं, किस प्रकार इन्होंने अपना शिप लिया है, कैसे इन्होंने अपने स्वरूप को ग्रहण किया है। और चौथा यूनिट जो है जो थोड़ा सा लीक से हट करके है, ऑल्दो मैं समझता हूँ कि रिलेट कर पाना सामान्य रूप से कठिन होता है, लेकिन बड़ा ईजी वे में इसको हमें रिलेट करना है, ये है आर्ट फॉर्म्स एज मीडियम ऑफ संस्कृत नैरेटिव। हम लोग सभी जीवन में कभी ना कभी एक ना एक बार हमने नृत्य जरूर देखा होगा। नृत्य भी क्या होता है कि जो नृत्य करने वाले होते हैं या होती हैं वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारे साथ वो मैसेज भेजते हैं। चाहे आप कोई भी डांस देखें, डांस ड्रामा देखें, उनके पीछे भी एक कहानी होती है, उनके पीछे भी एक कथा होती है। हाँ, ये ठीक है कि हमें उनके आंगिक अभिनय का उतना बोध नहीं होता, लेकिन रेस्ट स्टोरी समझ में आ जाती है उनके आंखों के हाव भाव से। चाहे अगर वो हाथ में त्रिशूल लेके और दुर्गा बन के अगर ऐसे करते हैं तो हमें वो बातें समझ में आती है, ऐसे ऐसे फूल खिलते हुए दिखाते हैं तो हमें वो बात समझ में आती है और उससे हम एक मैसेज लेते हैं। तो हमारे जितने भी कला है, कला सदैव मानव के साथ संवाद करती है, या मानव के संवाद की अभिव्यक्ति जो है वो कला के माध्यम से निकलती है। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिए। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, आज मैं एक देख रहा था कार्टून, यहीं बैठे बैठे किसी ने भेजा था, एक कवि कविता सुना रहा है और वो वहां पे लिखा हुआ है कि वो कविता इसलिए सुना रहा है कि बार बार मुझे लोग टमाटर मारे, क्यों कि टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो कलेक्ट करके टमाटर। देखिए अभिव्यक्ति, देखिए कला है वो, केवल इतनी सी चीजें हैं। एक आपको स्क्वायर में एक दो कार्टून बना हुआ है, एक जो है वो कवि कविता सुना रहा है, दूसरा उसको टमाटर। ये क्या वो मैसेज हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, क्या हम उस चीज को नहीं समझ रहे हैं? यदि नहीं समझ रहे हैं तो ये मेरा दोष है, लेकिन वो कला जो है अपनी समग्रता लिए हुए हमारे साथ संवाद कर रही है। इसलिए नाटक हो,
नृत्य हो, गायन हो, वो हमारी कहीं ना कहीं मानसिक विश्रांति के लिए एक रूप से हमारे साथ संवाद कायम कर रहा होता है। तो इस सिलेबस में इसको हमने इस ढंग से लिखा है, जो हमने प्रेजेंट किया है वो है कथा सत्र सिंपोजियम। बड़ा अच्छा नाम था, क्योंकि जनरली लोग रखते हैं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, लेकिन यहाँ पे नाम है सिंपोजियम। ये जो कथा सत्र है दैट इज सिंपोजियम ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है, इसको देखिए, ड्रामा है, डांस फॉर्म्स है, केव पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स है एंड स्कल्पचर है। अब जरा जो संस्कृत के लोग हैं जानते होंगे, मेघदूतम जरूर पढ़ा होगा, जब यक्ष मेघ को रास्ता बताता है कि आपको जाना है अलकापुरी, और उस अलकापुरी के का जब वो वर्णन करता है, आखिरी पंक्ति है जो प्रायः कालिदास के सबसे लंबे समासों में एक है, जिसमें हर्म्य की चर्चा है, मैं अचानक मिस कर रहा हूँ, कि भगवान शिव की चांदनी से चमकते हुए जो विशाल हर्म्य मिलेंगे। देखिए हमारा जो घर होता है वो भी अपने आप में हमसे संवाद कर रहा होता है। संवाद किस रूप में, ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा घर हूँ, बल्कि किसी भी मानव के जो उसमें रहने वाला है उसके बारे में सारा बोध हमारे सामने दे देता है कि ये व्यक्ति कैसा रह रहा है, कौन है, क्या है। ये रहन सहन, एपियरेंस, शिष्टाचार, विनम्रता, भावाभिव्यक्ति, यह भी कहीं ना कहीं हमें किसी रूप में कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसलिए जितने भी ये आर्ट फॉर्म्स हैं, हमने उन आर्ट फॉर्म्स को आप लोगों के सामने सिलेबस के लिए रखा है। मैं समझता हूँ कि एक एक आर्ट्स को समझाना ये जरूरी नहीं है कि डांस क्या होता है। अगर हमारे सिलेबस में है तो हमें वहाँ पे डांस के नृत्य की परिभाषा नहीं बतानी है, स्कल्पचर की परिभाषा नहीं बतानी है, हमें उसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है ये जरूरी है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अब जैसे अनुमान है तर्क संग्रह में, अब अनुमान में बच्चे लिखते हैं भाई, जैसे क्रिकेट में अनुमान होता है रन बनाने का, जैसे बारिश का अनुमान होता है, दैट इज नॉट अनुमान ऑफ न्याय फिलोसॉफी। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। और हमारा कॉन्टेक्स्ट है नैरेटोलॉजी, जहां पर नृत्य अपनी परिभाषा नहीं मांगता, बल्कि नृत्य अपने विषय में यह जानना चाहता है कि मैं किस प्रकार लोगों से संवाद स्थापित कर रहा हूं। हमें उस दिशा में बच्चों को प्रेरित करना है। मैं समझता हूं कि जो मुझे सिलेबस को प्रेजेंट करने के लिए, जो मूल विषय को प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों के सामने बुलाया गया, मैंने जो मुझे दायित्व दिया गया उसको आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट किया है। स्पेशली जो रेफरेंस जो है हमारा, हमने जिस संदर्भ में बात की है वो हमने बात की है क्लासरूम टीचिंग, हमारा जीई का सिलेबस, हमारे सिलेबस के विषय, उस विषय की प्रस्तुति। मैं ये समझता हूँ कि इसकी परिणति यहाँ नहीं है, इसकी परिणति तब होगी यदि आप लोगों के मध्य से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, जब तुम मेरे पास आना, प्रिय नहीं मेरे मित्रों। थैंक यू।